तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। मैं आयसर के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि अब तो गाड़ी बहुत BS4 पुराना हो चुका है। अब नई नई गाड़ी आ रहा है, BS4 वगैरह, BS6 वगैरह। तो मैं वीडियो बनाता था, यूट्यूब पे डाल रहा था वीडियो। अब तो नहीं डाल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाई लोग जो है, मेरा नंबर गया है जिसके जिसके पास है, या फिर कमेंट कर रहा है और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि भाई आयसर का गाड़ी है, 4 पिकअप का इशू है भाई, इसमें गाड़ी में टान नहीं है, पिकअप बिल्कुल नहीं है। कस्टमर बताते हैं कि गाड़ी खिंचाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण डीजल भी पी रहा है और MI लेट भी हमारा जल रहा है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, मैं वैक्यूम EGR सिस्टम के बारे बता रहा हूँ आपको, जो आयसर गाड़ियों में दिया हुआ है वैक्यूम EGR सिस्टम। तो वैक्यूम EGR सिस्टम के बारे बता रहा हूँ, तो उसमें 3 सेंसर हैं। एक तो हमारा डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर है, ठीक है, और एक हमारा टेम्परेचर सेंसर है, और एक हमारा सोलनेडिंग वाल है। तो ये टेम्परेचर सेंसर और सोलनेडिंग वाल, ये तीनों का मैं फॉल्ट कोड आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर, अगर इसका कोड बताता हूँ कि डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर का कितना तरह का कोड आता है। तो पहला कोड है हमारा P046C EGR डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर सर्किट रनिंग परफॉर्मेंस। तो ये कोड जब आएगा हमारा, तो भी गाड़ी 4 पिकअप का इशू रहेगा, गाड़ी पिकअप नहीं लेगा, EGR सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हमारा डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर जो है, जहाँ पे अल्टरनेटर है उसके बाजू में एक डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर टाइट है, जो दो बारह का बोल्ट है, उस बोल्ट को आपको देखना है, उसको खोलना है बाद में। पहले आप कपलर खोल लीजिए, कपलर खोलने के बाद जो है उसको देखना है कि उसमें हमारा वायर कहीं से कटा तो नहीं है, और डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर खोलना है कि ज़्यादा ब्लैक गंदा तो नहीं हुआ, ख़राब तो नहीं हुआ है ना, डैमेज तो नहीं है, तो उसको चेक करना है। तो उसका जो तीन वायर है, तो 2 वायर इसका सिग्नल का वायर है और 1 वायर ग्राउंड का है ना। तो ये तीनों का क्वांटिटी चेक करना है आपको, कोलर वो तीनों का क्वांटिटी चेक करना है आपको। J1 कपलर में 92 EMS से, J1 कपलर का 92 से लेके आपका डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर सॉकेट तक की क्वांटिटी चेक करना है कि बीच में कहीं हमारा वायर तो कटा हुआ नहीं है। दूसरा नंबर पिन, J1 कपलर में 70 नंबर पिन से लेके दूसरा नंबर पिन डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर में कहीं वायर तो हमारा कटा हुआ नहीं, ये चेक कर लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पिन में J1 के 68, इसमें भी चेक कर लेना है कि कहीं हमारा वायरिंग तो कटा हुआ तो नहीं है और कंटिन्यूटी हमारा सही है ना। कॉल आ रहा है, 1 मिनट। इस फुल कोड में आपको चेक करना है EGR डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर, और आपको कनेक्टर चेक करना है, वायरिंग हार्डनेस चेक करना है, EGR सिस्टम कनेक्टेड चेक करना है कि कहीं से कटा फटा तो नहीं, टूटा तो नहीं है ना, इस फॉल्ट कोड में। अब हम आते हैं दूसरा फॉल्ट कोड में। दूसरा फॉल्ट कोड है हमारा P0406 EGR डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर सर्किट हाई। ये फॉल्ट कोड जब आएगा तो भी आपको चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी, सेम कंटिन्यूटी है, एकदम सेम ECM से कंटिन्यूटी है इस फॉल्ट कोड से चेक करने के लिए। इसमें भी आपको वही चेक करना है, कनेक्टर हार्नेस, EGR सिस्टम और EGR कंट्रोल EMS। इस फॉल्ट कोड में ज़्यादातर के EMS का शिकायत रहता है, EMS ख़राब होने का चांस रहता है कि वहाँ से भी, अगर सारा कुछ सही है, अगर P0406 आ रहा है तो EMS का चांस ज़्यादा रहता है इस कोड में। अब हम आते हैं तीसरा नंबर कोड में, यानी कि P0409। इस कोड में भी हमारा वही बोलता है EGR डिफ्यूज़र प्रेशर सेंसर सर्किट ओपन, ठीक है। तो इसमें आपको भी चेक करना है, वही चीज़ चेक करना है आपको। सबसे पहले आपको चेक करना है कनेक्टर, हार्नेस, EGR पाइप, जो ब्लैक कलर का पाइप रहता है ना, वो पाइप चेक करना है, EGR कूलर चेक करना है। ज़्यादातर के इस कोड में जो है हमारा P0409 इस फॉल कोड में हमारा कोड आएगा, तो इसमें दिक्कत ज़्यादातर के जो ब्लैक वाला EGR वैक्यूम में जो पाइप रहता है, वो पाइप कट जाता है, सूख जाता है, इसके लिए कोड आता है ना। तो कभी भी अगर EGR सिस्टम से कोड आता है P2BAC, तो EGR सिस्टम को ही चेक करना है। अब जैसे हम आते हैं उसके टेम्परेचर में,
एजीआर में देखिएगा एक टेम्परेचर लगा हुआ है एजीआर सिस्टम में ही, है ना। इसका फॉल कोड आएगा P040C। इस फॉल कोड में आपको चेक करना एग्जस्ट गैस टेम्परेचर का सर्किट लो का ही कोड आएगा। तो इसमें भी आपको चेक करना है जो टेम्परेचर है उसमें दो वायर रहता है, उसको खोल लेना है कहीं वो तो टेम्परेचर सेंसर टूटा हुआ तो नहीं है, या उसकी वायरिंग सूख के टूट तो नहीं गया, कहीं घिस के टूटा हुआ तो नहीं है, है ना। तो उसमें एक ग्राउंड का वायर है, एक सिग्नल का वायर है, ठीक है। तो एक नंबर वाले पिन में टेम्परेचर से लेके J1 का जो कपलर होता है J1 का 65 में उसकी क्वांटिटी चेक करना है कि बीच में कहीं वायरिंग वगैरह कटा तो नहीं है, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पिन में आना है J1 20 नंबर पिन J1 का, और आपका क्या बोलते हैं टेम्परेचर का सॉकेट में चेक करना है कहीं से कंटिन्यूटी कटा हुआ तो नहीं है, कहीं घिसा हुआ तो नहीं, ये भी चेक कर लेना है आपको। और इस फॉल कोड में अगर ये सब सारा कुछ सही है तो इस फॉल कोड में लो सर्किट में आपका EMS का चांस ज़्यादा रहता है। EMS भी आपको चेक करना है कि EMS तो कहीं ख़राब तो नहीं हुआ, दूसरा डाल के देखिएगा। अब हम आते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड दूसरा नंबर कोड में, जो P040A यानी कि एग्जस्ट गैस सर्किट टेम्परेचर सेंसर सर्किट, है ना। ओपन कर गएगा यानी कि कहीं से तार कटा हुआ तो नहीं, ये सॉकेट खुल तो नहीं गया, ये भी चेक करना है। इसका भी सेम प्रोसेस है टेम्परेचर से लेके EMS J1 का 65 वाले पिन से लेके J1 के 20 और टेम्परेचर वाले में चेक करना है कि कहीं से कंटिन्यूटी, कहीं वायर तो कटा हुआ नहीं है, है ना। इसमें भी वही चेक करना है आपको, हार्डनेस और आपका टेम्परेचर सेंसर चेक करना है इसमें, और इसमें भी EMS का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर ये सब सारा कुछ सही है तो। अब तीसरा फॉल कोड टेम्परेचर से और भी है, जो P040B एग्जस्ट गैस सर्किट टेम्परेचर सेंसर सर्किट वोल्टेज रनिंग परफॉर्मेंस, है ना, इस तरह करके आएगा फॉल कोड। तो भी हमको यही चेक करना है कनेक्टर, हार्नेस और टेम्परेचर, इसमें EMS का चांस नहीं है, EMS सही रहेगा इसमें, तो ये चेक करना है आपको। अब हम आते हैं आपका सोलनेडिंग वाल, EGR का जो वाल होता है, EGR का जो सोलनेड वाल होता है उसके बारे में। इसका फुल कोड आएगा P043, है ना, P0403 EGR कंट्रोल सर्किट ओपन, EGR कंट्रोल सर्किट ओपन। आप देखते होंगे कि ब्लैक कलर का जो सोलनेड वाल होता है जो इंजन में टाइट होता है उसमें दो वायर लगा हुआ है, है ना। तो उसका क्या होता है कि वायर ज़्यादातर के कटता है या उसका पाइप फट जाता है, है ना। तो उसमें वायर, सबसे पहले वायर चेक करना है आपको कि इसका, अगर आपका वायर उसमें है, उसमें अगर 24 वोल्ट का गाड़ी है तो 24 वोल्ट आएगा, 12 वोल्ट का गाड़ी है तो 12 वोल्ट आएगा, ऐसा रहता है उसमें, है ना। उसकी वायरिंग सोलनेड वाल का जो सॉकेट है वहाँ से लेके EMS का J1 56 नंबर यानी कि 56 में आपको चेक करना है, और दूसरे वाले पिन में भी 56 में ही चेक करना है, ठीक है। और इस, ये सब चेक करने के बाद जो इसमें आपको भी वही चेक करना है, EGR कूलर हो गया, EGR वाल हो गया, EGR सोलनेडिंग हो गया, EGR में जितना सारा गैसकेट और पैकिंग वगैरह लगा हुआ है ये भी चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं है, अगर कहीं से गैस लीक भी हो तो ये भी ये फॉल कोड आएगा, है ना। अब इसमें से जो आपका दूसरा फॉल कोड है P0489 समझे, EGR कंट्रोल सर्किट लो करके आएगा आपको। तो इसमें भी आपको चेक करना है EMS और हार्डनेस, अब सेम J1 का जो कनेक्टर है वहाँ से लेके सोलनेडिंग वाल तक के वायर चेक कर लीजिएगा कंटिन्यूटी वगैरह। तो ये सारा चेक कर लिए आपको EGR सिस्टम, कोर पिकअप का इशू, EGR सिस्टम, EGR कूलर, EGR डिफेंसर प्रेशर सेंसर, EGR वाल, है ना, वायरिंग हार्नेस और कनेक्टर, ये सारा कुछ चेक करना है आपको। ये सब सही हो जाएगा अगर सही तरीके से। तो अब हमारा जैसे कि टूल नहीं है हमारे पास, किसी भाई के पास तो आयसर का टूल है ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये सब सही तरीके से काम करने के बाद गाड़ी का फिजबॉक्स के पास रहता है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, इतना छोटा ब्लैक कलर का एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर होगा, 10 नंबर बोल्ट में कहीं भी बॉडी में टाइट होगा वो। उसको क्या करना है आपको, दो वायर रहते हैं उसमें, उसको क्या करना है आपको बर्फ़ या ठंडा पानी से, एकदम चिल्ड पानी से उसको काम करने के बाद उसको
बांध देना है। बांध देने के बाद जो है 1000 RPM पे कम से कम 10 किलो 12 किलोमीटर तक की गाड़ी रनिंग करना है, फिर चाबी ऑफ करना है, फिर 5-6 किलोमीटर तक की गाड़ी 1200-1000 RPM पे कंटिन्यूटी, 4 नंबर गियर पे, 5 नंबर गियर पे, इस तरह करके 3 स्टेप आप जब चलाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो MI लाइट है बिना टूल का ऑफ हो जाएगा, अगर सही तरीके से आपका काम हुआ है तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।